महिलाओं के मन में क्या है, महिलाएं क्या इस बार राजस्थान में जो अभी तक की लकीर रही है उसे बदलने जा रही हैं। मैं यहाँ महिला वोटों की बात खास तौर से कर रही हूँ क्योंकि दोनों ही तरफ से, जी हाँ, कांग्रेस और भाजपा दोनों की तरफ से ही महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए जबरदस्त जोर आजमाइश चल रही है। ऐसे में बहुत जरूरी है यह जानना कि अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं क्या वे वाकई महिलाओं के जीवन में कोई अंतर ला पाई है, पिछले 5 साल कैसे देखती हैं अलवर की महिलाएं और खास तौर से वे महिलाएं जो अलग अलग पेशों से जुड़ी हैं, उनका क्या कहना है, और आखिरकार सबसे बड़ा सवाल क्या महिलाओं के बीच सांप्रदायिक हिंसा या सांप्रदायिक नफरत का सवाल एक बड़ा होगा, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत का सवाल क्या एक चुनावी मुद्दा बनेगा महिला मतदाताओं के लिए, आइए जानते हैं महिलाओं से। मैं खुद ग्रेजुएशन मैंने कर ली है, अभी मैं खुद कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ, तो अनएम्प्लॉयमेंट जब भी न्यूज़पेपर देखते हैं तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना बढ़ता जा रहा है कि टेंशन होती है कि हमारी जॉब लगेगी कि नहीं। हम खुद से रिलेट कर पाते हैं इस मुद्दे को ज्यादातर, और महंगाई तो बहुत ही ज्यादा है, जिस भी फील्ड में देखें, एजुकेशन, हेल्थ हो, कहीं भी हो, बहुत ज्यादा महंगाई है राजस्थान में। लेकिन अशोक गहलोत जी ने काफी स्कीम्स चलाई हैं बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए, सभी के लिए, तो उससे काफी हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार काफी अच्छा कर रही है। इन चुनाव में जैसे बात हो रही है कि भाई राजस्थान का ये चलन रहा है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है, आपको क्या लगता है कि गहलोत जी की सरकार बदलेगी, और अगर नहीं बदलेगी तो क्यों नहीं बदलेगी, और बदलेगी तो क्यों बदलेगी? मेरे लगने से तो कुछ नहीं होता है, लेकिन एक सभी अपना पसंद का व्यक्ति चुनते हैं, तो अभी तक गहलोत जी ने देखो बहुत अच्छा काम किया है राजस्थान में, विकास भी बहुत अच्छा हुआ है, और महंगाई भी अन्य जगहों के मुकाबले काफी कम है, यहाँ पर सिलेंडर भी सस्ता हुआ है, और भी काफी ऐसे मुद्दे हैं। सबसे बड़े चुनाव के मुद्दे तो मैम मेरे लिए तो बेरोजगारी है, एक भ्रष्टाचार है, एक महिला की सुरक्षा के लिए है, ये मेरे लिए बहुत बड़े मुद्दे हैं चुनाव के। तो अभी जो यहाँ पे जो सरकार है राजस्थान में तो काफी अच्छा काम किया है, लेकिन हर सरकार का वही होता है कि जब वो आती जाने लगती है ना तो वो काम करती है, उससे पहले थोड़ा काम पे ध्यान दे तो हमेशा ही अच्छा ही हो। और ऐसी आम जनता ऐसी पागल नहीं है जो किसी को भी वोट देगी, जो काम करेगा उसको वोट निश्चित तौर पे देगी। आज का युवा इतना जागरूक है, अभी राजस्थान सरकार ने जैसे वैकेंसियां निकाली हैं तो युवा उसका फायदा उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो फायदा नहीं उठा रहे, पूरा लाभ ले रहे हैं। महिला सुरक्षा को लेके भी उन्होंने मतलब आज अभी देखेंगे हम तो हर थाने में उन्होंने महिला सुरक्षा की व्यवस्था कर दी है, लेकिन इन सब को लेके भी अगर थोड़ा कानूनी प्रक्रिया और उस सुरक्षा को थोड़ा जमीनी स्तर पर वो देखें तो ज़्यादा अच्छा रहे। सही मायने में ये तो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, सभी जानते हैं कि महिलाओं के लिए कानून है और वो उस पे लागू नहीं होते हैं। चुनावी मुद्दा यही है कि जिस तरह से पेंशनर्स मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की जो वर्कर जो सॉरी एम्प्लॉय होती है या जो जॉब कर रहे हैं उनकी जिस तरह से पेंशन बढ़ाई है, उसी तरह शायद प्राइवेट सेक्टर में चाहे महिला हो या किसी भी तरह के वर्कर्स हो, अदर जो निम्न नीचे कास्ट के हो या अदर कास्ट के हो जो भी है, उनके लिए अगर आप प्राइवेट सेक्टर के लिए भी कोई ऐसी योजना निकाले तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर से के थ्रू भी अपना घर चला सकती है, चला रही हैं। क्या इस मोहल्ले का नाम है जहां आप रहती हैं? खदाना मोहल्ला। खदाना मोहल्ला अलवर। अलवर जी। वोट डालती हैं आप? हाँ, डालती हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में, आपके क्या मुद्दे हैं, क्या आप सरकार से कहना चाहती हैं, क्या मुद्दों पे आप वोट देंगी? मैं तो यही कहना चाहूंगी जो भी नारी आए जिनका कोई सहारा नहीं है उन्हें कुछ तो मिले,
उनके लिए कुछ तो सुविधाएं हो, बेरोजगार है, अपने बच्चे कैसे सब परेशानी में पाल रही है, कुछ महिलाएं छोड़ी हुई भी हैं बेचारी, वो अपने मम्मी पापा के ऊपर एक तरह से बोझ भी बनी हुई है, तो उनका भी तो कुछ होना चाहिए ना। वोट देंगे जो हमारे को कुछ करेगा तो लाभ देगा, बच्चों को नौकरी लगाएगा, हमारे को कोई रोजगार देगा, उसी को वोट देंगे। गर्ज के टाइम पर वोट लेने के लिए आ जाते हैं, फिर बाद में कोई भी नहीं पूछते हमारे को। मोदी जी का जो पूरा प्रचार चल रहा है, मोदी जी नहीं करेगा, मोदी का तो आनी नहीं चाहिए, मोदी का तो आनी नहीं चाहिए जी, नहीं जी क्या न्याल करे हमारे को, कुछ भी नहीं पे भी आपको सिलेंडर दिया उसमें भी पैसा बढ़ा बढ़ा के कुछ उनमें से भी काट लिया उनने। आप उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं, 1170 रुपए का दे रहे हैं वो सिलेंडर, पहले तो कहता है मुफ्त देंगे फ्री देंगे, वो फ्री नहीं दे रहे, उल्टी 1170 रुपए के कहाँ से गरीब लाए इतना। 10 साल पहले मैंने मोदी जी को वोट दिया था, जब मैंने सुना था कि भाई कुछ चेंज आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, सरकार बदलेगी तो कुछ अच्छा होगा, लेकिन अब 10 साल एक बार फिर दोबारा रिपीट हुआ, 5 साल के बाद फिर हमने चाहा चलो इस बार नहीं कर पाए तो अब होगा, लेकिन फिर भी बदलाव की जगह यानी और ज्यादा वर्ष होगी कंडीशन, बेटर की जगह वर्ष हो गई कंडीशन, क्योंकि देखो इतनी ज्यादा महंगाई हो चुकी है, पहले 425 से 30 रुपए का सिलेंडर था 2014 में, उसमें भी 125 रुपए की जो है वो सब्सिडी भी आती थी अकाउंट में, और उसके बाद जो है अब जो फिर मोदी जी ने सिलेंडर के जो गैस चाहे कहीं से भी आती हो, चाहे स्टेट का टैक्स हो चाहे आपको सेंटर का हो, तो जैसे अब 1130 रुपए का सिलेंडर हो गया, लोगों ने अपने और फिर उन्होंने क्या किया उज्ज्वला चला दी कि हर महिलाओं को हम सिलेंडर दे रहे हैं, वो आपने एक बार सिलेंडर तो दे दिया, फिर उसे आगे कहाँ से भरेगा, जब वो आदमी दिहाड़ी मुश्किल से 4000-3000 रुपए कमाता है वो सिलेंडर कैसे भरवाए, उन्होंने सिलेंडर उल्टे करके रख दिए। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के घर नहीं देखा कि वहां पर दिन में खाना नहीं बनाते, शाम को लकड़ियां इकट्ठी करके फिर वो चूल्हे से रोटी करके सिलेंडर घर में रखे और कह रहे मैंने भरवाए कहाँ से, हमारे पास पैसे भी तो होने चाहिए बनाने के लिए। तो विकास के नाम पर मोदी ने वादे तो किए लेकिन पूरे नहीं उतरे। हाँ एक चीज में तो हो गया कि भाई चलो उन्होंने टेक्नोलॉजी बेस्ड बोला, लेकिन ये जो इलाका है अलवर जहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक चुने जाते हैं, और अभी हम जहाँ से गुजरते हुए आप तक पहुँचे हैं, कई लोगों ने बोला कि हिंदू मुसलमान एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आपके लिए बतौर आप मतदाता हैं हिंदू मुसलमान या जो एक नफरत वाली बात है वो कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है? नफरत वाली बात तो इसमें नहीं आती है, नफरत में हिंदू ना तो मुसलमान से करता है और ना मुसलमान हिंदू से करता है, कुछ लोग ऐसे हैं बीच में आते हैं जो इस माहौल को खराब करते हैं, उपद्रव करते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर, ये वोटों का बंटवारा करते हैं, जबकि ऐसा नहीं लगता है, हिंदू भी अपने दिमाग से अच्छी सरकार चुनता है और मुसलमान भी, जो मतलब हिंदू में और मुसलमानों में लड़ाई तो उसे डर के मारे देंगे ऐसा कुछ नहीं, तो हिंदू को देंगे मुसलमान को काहे को देंगे, मैं तो इस बात को बहुत बकवास समझती हूँ, तो अपना एक है हिंदू मुसलमान, हम जो गरीबों की तरफ देखेगा उन्हीं को देंगे, अपना बनेगा जिसी को देंगा हमारी बिरादरी हमारी देंगे, अब चाहे वो अशोक गहलोत हो चाहे मोदी हो उन्हीं को ही देंगे जो गरीबों की तरफ देखेगा, जो रोजगार देगा। अभी तक क्या लग रहा है कि गरीबों की तरफ कौन देख रहा है? अशोक गहलोत ही देख रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिर्फ धर्म है, इंसान एक अलग चीज होती है, धर्म के अलावा हम अगर इंसान को एक तरीके से देखें अलग तरीके से तो सभी एक जैसे एक तरीके के ही होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, हमारे एक जूस वाले भैया आते हैं वो मुस्लिम हैं, मैं उनको कभी कभी ऐसा बोलती हूँ कि भैया मैं आपको एक दिन राखी बांधूंगी आप मुझे गिफ्ट देना, तो वो बोलते हैं हाँ जरूर क्यों नहीं। कभी कभी वो आते हैं हमारे मतलब जूस बेचने, मैं मेरे भाई से कहती हूँ जा ले क्या, तो वो मैं दिल्ली में थी तो वो पूछते थे मैम आप क्या बनोगे, तो मैं उसको बताती थी कि हाँ मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ, तो मतलब इतना अच्छा बिहेवियर किसी का किसी रिलीजन के उसमें बेसिस पे तो नहीं है, इंसानियत के बेसिस पे ही है, तो हमें रिलीजन के उसमें देखना नहीं चाहिए, बाकी जो भी मुद्दे होते हैं उनके अलग तरीके अलग दायरे होते हैं अलग सिचुएशंस होती हैं उनकी। बहुत से लोग बता रहे हैं कि हिंदू मुसलमान और उनके बीच की नफरत के बारे में उस पे भारतीय जनता पार्टी बहुत फायदे में रहती है, और क्या आपको लगता है
आप बतौर एक भारतीय नागरिक, भारतीय महिला? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग ना बिल्कुल साथ साथ पले बड़े होते हैं। हमारा ना एक मोहल्ला छोड़ोगे तो दूसरा मुसलमान का है, दूसरा छोड़ोगे तीसरा हिंदू का है, चौथा मुसलमान का है। साथ साथ आप पुराने एरिया में चले जाइए, कोर्ट कचहरी जहाँ पर है वहाँ पर एक जगह रंगभरियों की गली है जो पूरी मुसलमानों की है, और एक तरफ पूरा हिंदू एरिया रह रहा है। दशहरा दिवाली सब साथ साथ बनाते हैं, तो कोई नफरत की कोई भावना नहीं है। लेकिन वही जो कि मेरी साथी ने कहा था, ऋतु राघव जी ने, कि हम इसको एक धार्मिक उसको लेके भावनाओं का एक हम उछाल कर सकते हैं राजनीति में, वैसा ऐसा अलवर में कुछ नहीं है। मेवात है, मेवात के साथ ही हम हैं, हमारे साथ मेवात है, दोनों एक साथ है, पहले हम राजस्थानी हैं। जी,